हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक आईडी को, अपने फेसबुक अकाउंट को सभी जगह से लॉग आउट कैसे कर सकते हो भी एक क्लिक में। दोस्त, आपने किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से कैफे में जाकर अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन किया होगा, या दोस्त के मोबाइल में उसके एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन किया, या फैमिली मेम्बर किसी फ़ोन में अपनी आईडी किसी काम से लॉगिन किया रहा होगा और आप भूल गए हैं लॉग आउट करने को। तो दोस्त, आप किस तरह से आप यहां से अपने फ़ोन से, अपने डिवाइस से एक क्लिक में सभी जगह से लॉग आउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके डिवाइस से और बाकी दूसरे के डिवाइस से सभी जगह से लॉग आउट हो जाएगा। ओके, हम आपको सेटिंग दिखाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस से लॉग आउट ना हो, आपके डिवाइस से ना हटे आपकी आईडी, बाकी सभी डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस से हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, ये भी चीज़ आप इसी वीडियो पे देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फेसबुक आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है, चीज़ आप कैसे देखोगे। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी यदि आप पूरा देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है और आप सभी जगह से हटाना चाहते हो तो कैसे हटाएंगे, और पर्टिकुलर सेलेक्टेड डिवाइस से हटाना चाहते हो तो कैसे हटाएंगे। तो ये चीज़ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी आईडी को ओपन जैसे करेंगे फेसबुक ऐप में, तो यहाँ पर आप थ्री लाइन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपके एप्लीकेशन में। अदरवाइज दोस्त, आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। सेटिंग का ऑप्शन मतलब आपको क्लिक करना है, और यदि आपको मेटा अकाउंट सेंटर नहीं आ रहा तो अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट करिएगा, क्योंकि आपको यहीं पर कहीं पर भी क्लिक कर देना होता है। इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसी पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएंगे, और वेयर यू आर लॉगेड इन, तो दोस्त यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी आईडी लॉगिन कहाँ कहाँ है। ओके, टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आपकी आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन, बाकी आप यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं वेयर यू आर लॉगेड इन, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख पाएंगे कि आपकी आईडी एक्चुअल में लॉगिन कहाँ कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, समझिए हमारा फोन सैमसंग का है, सैमसंग A21s के अलावा दो जगह और लॉगिन है। ओके, दो जगह लॉगिन है, तो कहाँ कहाँ लॉगिन है यही चीज़ हम देखना चाहते हैं, तो फेसबुक पर क्लिक करेंगे। हमें इंस्टाग्राम से कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको बता दें कि फेसबुक एप्लीकेशन आपने जिस मेल आईडी से, जिस नंबर से बनाया, आपने इंस्टाग्राम का भी बनाया है, तो आप इंस्टाग्राम को भी देख सकते हैं यहीं से कि कहाँ कहाँ लॉगिन। ओके, बाकी हम आज के इस वीडियो में फेसबुक को कवर कर रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं आपका सैमसंग के फ़ोन के अलावा, यहाँ पर दिस डिवाइस के अलावा इस फ़ोन में भी लॉगिन है। तो आप चाहते हैं पर्टिकुलर सेलेक्टेड डिवाइस से लॉग आउट करना, तो यहाँ पर सेलेक्टेड डिवाइस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड डिवाइस टू लॉग आउट, यहाँ पर देख सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, जितने भर होंगे इसके अलावा और कहाँ कहाँ भी लॉगिन किया हो सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आप इस तरह से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं और लॉग आउट कर देंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से ये लॉग आउट हो जाएगा। ये तो दूसरे डिवाइस से लॉग आउट हो, बट आपके डिवाइस में अभी भी ये लॉगिन है, ठीक है ना। तो ये आपके डिवाइस से यहाँ से नहीं लॉग आउट होता, यहाँ से नहीं हटता है, तो कैसे हटाना होता है आपके डिवाइस से, तो ये तो बहुत आसान है, देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और आपको अपने डिवाइस से हटाना तो उसके लिए सिंपल आप थ्री लाइन पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है, तो आपके डिवाइस से भी हट जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से जो है अपनी फेसबुक की आईडी को दूसरे डिवाइस से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, और अपने डिवाइस से भी लॉग आउट कैसे करना मैंने बता दिया। आई होप आपसे वीडियो से हेल्प मिला होगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, वीडियो से हेल्प मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, समय भी मोटिवेशन मिलता है।